महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष सरकार को किरीट सोमैया के मुद्दे पे घेर रही है। बता दे कि बीते दिनों एक न्यूज चैनल पर किरीट सोमैया का एक विवादित वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके बाद लगातार ये मांग की जा रही है सरकार की तरफ से कि सरकार किरीट सोमैया पर कार्रवाई करे और तत्काल रूप से उसे पार्टी से बाहर करे। अब तस्वीरों में देखिए कि ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम विपक्षी नेता आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और लगातार यही मांग की जा रही है कि किरीट सोमैया को लेकर कार्रवाई की जाए। आप देखिए कि उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, साथ में यह भी लिखा गया है कि जो ना करे महिलाओं का सम्मान वो सारे बेईमान। किरीट सोमैया के साथ साथ लोग बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि राज्य में महिलाएं जो हैं वो गायब होती जा रही हैं दिन पर दिन और इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जब पहले और दूसरे दिन हमने देखा कि सरकार को विपक्ष जो है वो बारिश और किसानों के मुद्दे पर घेर रही है, तो आज तीसरे दिन विपक्ष जो है वो सरकार को किरीट सोमैया के नाम पर घेर रही है और ये कह रही है कि किरीट सोमैया पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे पार्टी से बाहर निकालना चाहिए ताकि महिलाओं का जो है वो सम्मान हो सके। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।